जी नमस्कार, हम सुरेंद्र ठाकुर बजिकांचल विकास पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रत्याशी सीतामढ़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बोल रहे हैं। बजिकांचल है क्या? विश्व का पहला गणतंत्र की जननी की जगह वैशाली, जहां प्रजातंत्र का जन्म हुआ और यह पूरे विश्व में आज प्रजातंत्र का झंडा फहरा रहा है। इसी के तहत आज जितने भी देश के डेमोक्रेसी चल रहा है वह वैशाली का ही देन है, अपने बजिकांचल का ही देन है। ये बजिकांचल में आज जरूरत है, हमारे यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ने के लिए यूक्रेन में आज बहुत सारे गुप्त हो चुके हैं, उनका ट्रेस नहीं पता चल रहा है। इसके लिए गार्जियन लोग बेचैन हैं, जहां कैसे वो आ पाएगा अपने स्वदेश। और इसका देन है जो वहां जाने का, कि यहां एक साल में जो खर्च लगता है एमबीबीएस की पढ़ाई में, वहां पूरे कोर्स कंप्लीट करने में लगते हैं। इन कारणों से भेज तो दिए गार्जियन यहां से मेडिकल पढ़ाने के लिए यूक्रेन, आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है इनके बच्चे, और यहां हलकान बने हुए हैं। तो बजिकांचल में कभी पूरे विश्व के अगुआ देश के यहां संसद लगाते थे और 7,777 मेंबर हुआ करते थे इस रजवाड़े में। यह विश्व का पहला गणतंत्र है। बज्जी संघ का अंचल बजिकांचल, अर्थात अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी, मैथिली भाषा भाषी क्षेत्र, गंगा के उत्तर वाला भाग, जो कभी जनक जी का यह शासन वाला, यहाँ के राजा जनक जी राजा विदेह होते थे, जिनकी आज भी प्रमाण है कौनहारा, हरिपुर, हाजीपुर की धरती, उस पार में बाबा हरिहरनाथ और इस पार में कौनहारा में जनक जी का शासन, वहां तक नेपाल के अधीनस्थ ही ये हुआ करता था। और वहां यह बोर्ड आज भी लगी हुई है जो 14वीं शताब्दी की, और मंदिर भी उस जमाने का काठ का बना हुआ है, जिसमें नीचे शिवलिंग है और ऊपर ओपन ह्यूमन कल्चर का जो है सीन सब उसमें दिया हुआ है, जिसको नेपालिया छावनी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपके बज्जी संघ के अंचल बजिकांचल राज्य की जो मांग आज प्रोफेसर देवेंद्र राकेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बजिकांचल।